करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। तरीके से निकाल रहा, कानूनी तरीके से निकाल रहे तो तरीके हैं, गैर कानूनी तौर पे उसने
कब्जेदारों को भेजा और उसको वहां से निकाल दिया। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये कानून आपसे भी, और मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि अगर उसका कोई टाइम फ्रेम तय हुआ हुआ है मालिक का टेनेंट के साथ के कि कितने महीने तक आप मेरे टेनेंट हैं, अदरवाइज वो नोटिस देता है या रेंट कंट्रोलर के पास रिलीफ लेने जाता है तब भी वो नहीं खाली करता और फिर भी वो कब्जे के मत में वो बैठा है कि जी ठीक है मैं नहीं करता, तो उसके लिए फिर वो इसी लॉ के तहत आएगा इलीगल डिस्पोजिशन। ठीक है, उसमें एक ये भी रेमेडी सब इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है कि यहाँ तक मेरा एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। और सिमिलरली अगर उसको निकाला जाता है जबरदस्ती, ऐसा भी होता है बुधाई जो अगर उन्हें पेमेंट के जबरदस्ती अगर कंट्रोल हो बनी भले कोर्ट में केस है हले तो रेंट कंट्रोलर बट क्या कौन पे हो पर गैर कानूनी तौर पर कभी हो तो वन पूछा वो टेनेंट बनी सके तो इलीगल डिस्पोजिशन में मालिक कहला टेनेंट होना पड़ेगा वो तो सेक्शन 10 में वाली एप्लीकेशन दाखिल को मारते रहते हैं ये का तो वही सके ये ना लगे ये काम ना कौन सी थी बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अला किसका का गला है किसका का गला है बेटा। नमस्कार मैं सीनियर अपना नाम का रहा तो संगा से ले रहा जी जी तुझे तो अपना सवाल कर दो जरूरी आहे जो वेझो कंसल्टेशन जो जेका में आहे
तो अमल करे दरखास्त दे उनमें को भी खर्चो को नहीं को पान इंस्पेक्शन दाखिल थी दो सेशन जज साहब उनके पान घुराई दो ऐ उन का पूरा जो मसलो जरूर हेलो वालेकुम अस्सलाम अल्लाह के साथ कर ले किसान कर ले जंबर का के जंबर का मोशन आ जा रहा है जी आजा साहब का सवाल कर दो जवाब ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक का वापस जवाब रखा शॉर्ट ब्रेक उन्हें आपको वही गुफ्तगू जारी रखना।